प्रतिशत वृद्धि की गई। यानी 2015 में 67,239 करोड़, उस समय का बजट से इतना बजट एक्स्ट्रा बढ़ाया गया, यानी सीधे दुगना से भी ज्यादा जिसको कह सकते हैं। उतना ही नहीं, 100 नए सैनिक स्कूल जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उसका बड़ा रिजल्ट मिलता है भारत को, यहाँ के नौजवान जो विद्यार्थी हमारा है तो उसका एक आकर्षण है। तो 100 नए सैनिक विद्यालय और 15,000 ऐसे स्कूल जो है जिसको हम आधुनिकरण करने के पूरी प्लान इस बजट में बनाया गया है। रिसर्च के लिए 50,000 करोड़, जो लड़के तेज दरार हैं, गरीब का परिवार है, मध्यवर्गीय परिवार है, दलित है, पीड़ित है, ऐसे लोगों को जा जो भी जो सम माने जिसके पास ऊर्जा है, जिसके पास क्षमता है, उसके लिए हम लोगों ने लगभग 50,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है कि आप रिसर्च कर सकते हैं, देश विदेश कहीं जाकर कर सकते हैं। माने शिक्षा के क्षेत्र में हमने 35,000 अनुसूचित जाति जो वर्ग है, 35,000 करोड़ रुपया उनके लिए स्कॉलरशिप, 35,000 करोड़ का स्कॉलरशिप दिया है पूरे भारत के लिए। उतना ही नहीं, अनुसूचित जाति महिलाओं को जो ऋण मुहैया कराया जाता था, जो 25% ऋण मिलता था, मैंने देना पड़ता था सब्सिडी के लिए, रिटर्न देना पड़ता, तब आपको उसका 100% आपको रिजल्ट पैसा मिलता था। अब उसके लिए क्या किया कि 15% ही अब देना पड़ेगा, ये एक नया प्रावधान उसमें उन लोगों के लिए भी किया गया। इस प्रकार से ग्रामीण के क्षेत्र में अब देखिए, गाँव में हम मोबाइल चलाते हैं लेकिन गाँव में जाते हैं तो हम खुद जाते हैं अपने गाँव में, बगल में शहर का गाँव है तो जाते हैं तो मालूम होता है, जब घर से रात के 12 बजे कहीं फोन आया तो निकलेंगे नहीं तो छत पर जाएंगे तो करेंगे। तो डिजिटल करने का मतलब हुआ कि जैसे पूरे देश के 600 जिलों में ये जो किसको कह सकते हैं हम लोग कि ऑप्टिकल फाइबर जो गांव है, जो बिहार के 46,000 गांव है, बिहार का 46,000 जो गाँव है उसमें ऑप्टिकल फाइबर से हम नेटवर्क को जोड़ रहे हैं और इसका एक बड़ा लक्ष्य हम लोग तय किया है। और इस प्रकार से हम उज्ज्वला से पहले भी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का योजना मैंने चर्चा आपके सामने किया है, मुख्य रूप से बिहार के लिए जो कुछ मिले उसको थोड़ा हम अलग से किया है कि थोड़ा हमारा बिहार को ज़्यादा मिला है। एक तो दुनिया में भारत में इस बजट में सबसे पहले सबसे बड़ा चीज़ क्या मिला, बजट में दूसरा राज्य ऐसा है जहाँ हमको 4,00,000 माने आने वाले 5 साल के लिए 4,78,751 करोड़ रुपए की राशि हाँ इस बजट में बिहार के विकास के लिए प्रावधान किया गया है। इतना बड़ा राशि आज तक कभी भी बिहार को उपलब्ध नहीं हुआ था। उतना ही नहीं, कई प्रकार की सुविधाएं भी बढ़ाई गई है स्थानीय निकाय के विकास के लिए, जो नगर पालिका नगर निगम नगर परिषद है उसके लिए 35,577 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उतना ही नहीं, 6,017 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के लिए में कार्य किए जाएंगे शहरीकरण के शहर के अंदर, इसका एक अलग प्रावधान है। जो आपदा बिहार में बड़े पैमाने पर आपदा आता है और वो आपदा में इतना सामना हम लोग को करना पड़ता है, सब लोग परेशान रहते हैं उसमें किसी प्रकार की होती है, 6 गुना बढ़ा करके यानी 7,824 करोड़ रुपए का मैंने विशेष प्रावधान इस बार बिहार के लिए किया गया है। गांव के विकास के लिए जिसकी चर्चा मैंने कर दिया, 46,000 गांव को ऑप्टिकल ये है, और राज्यों के विकास के लिए किसान का छूट चर्चा मैंने कर दी, सड़क में 1,06,000